आपने अक्सर सुना होगा ट्रेडर्स को यह कहते हुए कि वो इक्विटी ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेड करते हैं इंट्राडे ट्रेड करते हैं ऑप्शन बाइंग करते हैं ऑप्शन सेलिंग करते हैं कोई बनिफ्टी, निफ्टी निफ्टी बैंक ट्रेड करते हैं बट ये खुद को इतना स्पेसिफिक क्यों कहते हैं क्यों ना सिर्फ वो ट्रेडर कहकर खुद को स्पेसिफाई करते हैं आखिर क्या होती है ये अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिंग का मतलब तो हेलो गाइज वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ ट्रेड फॉर लिविंग जहां मैं कंप्लीट एक सीरीज बना रहा हूं ट्रेडिंग की बेसिक्स को लेके इन अ होल सिस्टमैटिक वे और ये हर एक ट्रेडर को जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले उनको काफी हेल्प मिलेगी एंड uh, सारी चीजें मैं सिस्टमैटिक वे में रखने की कोशिश करूंगा विदाउट एनी कंफ्यूजन सो आज हम लोग बात करने वाले डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला फॉर ऑल द बिग्नर्स इस वीडियो के बाद आपको काफी हेल्प मिलेगी टू मेक योर ओन ट्रेडिंग स्टाइल टू चूज योर ओन ट्रेडिंग स्टाइल और खुद की ट्रेडिंग uh, जर्नी या खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करने में तो वीडियो को एंड तक देखना जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर ये नंबर इनक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मे मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू गाइस तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सो ट्रेडर इंप्लाइज डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स बेस्ड ऑन देयर बिलीफ एंड देर नॉलेज अबाउट द मार्केट सो जो एक ट्रेडिंग स्टाइल एक ट्रेडर के लिए काम करती है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे ट्रेडर के लिए भी काम करे दैट इज वाई द डिफरेंट ट्रेडर्स हैव द डिफरेंट अप्रोचेज अबाउट द ट्रेडिंग एंड डिफरेंट प्रोसेस दे यूज इन द ट्रेडिंग सिस्टम एंड थैंक्स टू फाइनेंशियल इनोवेशन ओवर दीज ईयर जिन्होंने इतने न्यू एडिशन के इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग और वर्ल्ड वाइड ट्रेडर्स को एक ब्रॉडर स्पेस दिया टू चूज देयर ओन ट्रेडिंग स्टाइल सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर ऑल द ट्रेडिंग स्पेस बिफोर चूजिंग एनी ट्रेडिंग स्टाइल फॉर इन एनी न्यू ट्रेडर्स जो किसी दूसरे को देख के अपना ट्रेडिंग स्टाइल अगर बनाना चाहते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो ट्रेडिंग स्टाइल चूज करो जो आपकी पर्सनालिटी और आपके बिलीफ मैच करे तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो ट्रेडिंग आवर है आप किस टाइम पे बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल एसेट का वो है जो मार्केट खुली रहती है वो होती है नाइन फिफ्टीन टू थ्री थर्टी इसी बीच में आपको कोई भी स्टॉक्स अगर ट्रेडिंग के लिए भी चाहिए या इन्वेस्टिंग के लिए भी आपको बाइंग या सेलिंग करना है तो आपको इसी इसी टाइम इंटरवल के बीच में करना होगा बात करते हैं इंटरडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग तो अगर आप कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स अभी के लिए स्टॉक समझ लो अभी अगर आप कोई भी स्टॉक्स को बाय या सेल करते हो इन बिटवीन दवर नाइन फिफ्टीन ए एम टू थ्री थर्टी तो इस बीच में अगर आप बाइंग या सेलिंग करते हो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग अब ये बाइंग एंड सेलिंग आप इस टाइम इंटरवल में कितने बार भी कर सकते हो एक बार करो दो बार करो पांच बार करो या दस बार करो इसमें कोई लिमिट नहीं है आप इस टाइम इंटरवल में जितना बार चाहो उतनी बार आप ट्रेडिंग कर सकते बट हां आप जितनी बार ट्रेड करो उतनी बार आपको ब्रोकरेजेस चार्ज देने पड़ेंगे तो इंट्राडेट ट्रेडिंग का जो मेजर बेनिफिट होता है वो होता है लेवरेज अब लेवरेज कैसे होता है जैसे मान लो कि टाटा मोटर्स में खरीद रहा हूं तो लॉन्ग टर्म में आप अगर देखो तो यहां पे जितना शेयर का प्राइस है जैसे मान लो कि टाटा मोटर्स की फोर थर्टी टू रूपीज प्राइस है तो एक शेयर खरीदने में मुझे फोर थर्टी टू रुपीज ही लगेंगे बट अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो मुझे कितना रुपीज लग रहा है फॉर मतलब टाइम्स मुझे लेवरेज तो अच्छा मिल जाता है ट्रेडिंग अब इंटरडे के ट्रेडिंग के अंदर या डे ट्रेडिंग के अंदर एक और सब कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग आप कह सकते हो तो बेसिकली इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्मॉल पॉइंट्स के लिए जाते हैं मतलब स्मॉल प्रॉफिट पॉइंट्स के लिए बुक करते हैं और वो दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं दस ट्रेड पांच ट्रेड ऐसे ट्रेड लेके वो अपने में ही अपनी को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो इसको हम कहते है सेकेंड्स टू मिनट में और उसी में स्मॉल कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जैसे कि मान लो कोई स्टॉक सौ रुपए है तो उसमें पॉइंट थ्री परसेंट पॉइंट टू परसेंट बाइंग एंड सेलिंग करेंगे और ट्रेड करेंगे पॉइंट थ्री पॉइंट टू परसेंट के लिए और वो चीज वो मल्टीपल टाइम करते हैं विद इन अ डे तो उसको हम लोग कहते हैं स्कैल्पिंग अब इसमें नेक्स्ट कैटेगरी है सेकंड पॉइंट स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है सो so, इस टाइप की ट्रेडिंग की होल्डिंग पीरियड जो होती है वो मोर देन वन डे से ज्यादा होती है मतलब आप इंटर डे से ऊपर की जब ट्रेड करते हो आपने आज बाय किया एक दिन से ज्यादा आपने आपका जो ट्रेड कंप्लीशन टाइम है वो एक दिन से ज्यादा है तो उसको हम लोग स्विंग ट्रेड में आता है तो अगर आप ट्रेड

ने उसको बाय कर लिया एंड एक मंथ के बाद वो अठारह सौ रुपए से जाके इक्कीस सौ रुपए पर पहुंच जाता है एंड यहां आप अपनी प्रॉफिट बुक करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेडिंग अब ये हो गया बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम अब हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस अब हमने ये सारी चीजें समझ ली कि टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन सी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होती है ट्रेडिंग की बट ये भी तो है कि हम उसको एनालिसिस कैसे करेंगे मतलब ट्रेडिंग का मतलब है कि हमें मूवमेंट पता करना है तो वो मूवमेंट किस बेसिस पे होता है तो चलिए हम लोग पहले वो जान लेते हैं तो अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस टेक्निक तो इसमें तीन पॉइंट है बेसिकली जो पहला पॉइंट है वो है टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग तो इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं टेक्निकल टर्म्स को लेकर जैसे कि मान लो ट्रेडिंग ग्राफ्स हो गए ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स हो गए या ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हो गए तो इस तीनों को मिक्सअप करके या इंडिविजुअली भी आप यूज कर सकते हो उसको मिक्सअप करके आप एक एनालिसिस करते हो जिससे आप प्राइस की मूवमेंट पता करते हो तो ये टेक्निकल ट्रेडिंग एनालिसिस पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडिंग इसमें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर या उसकी अर्निंग रिपोर्ट देख के या कंपनी की न्यू एक्विजिशन देखकर या गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज चल रही है उसको देख के आप कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट करते हो और उसमें उसके न्यूज के ऊपर आप उसके प्राइस की मूवमेंट की

कंपनी के शेयर्स को हम लोग इक्विटी कहते हैं जैसे रिलायंस एच डी एफ सी एक्सिस बैंक जितने भी सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो जो कि हमारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है एनएससी बीएससी, जो भी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है

के बाई प्रोडक्ट है वो हो गए उनके डेरेवेटिव उसी तरह स्टॉक मार्केट में जो डेरेवेटिव होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू डिराइव की होती है फ्रॉम अंडरलाइंग ए और बी उनकी जो इंडा तो को मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाता हूं तो कोई भी कंट्री की स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमारे क्लास में रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मॉनिटर होता था वैसे ही हमारी कंट्री का किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एक अच्छे स्टॉक्स उस कंट्री के कुछ एक अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है उसकी एक एवरेज प्राइसिंग निकाली जाती है और उसको एक रिप्रेजेंटेशन नाम दे दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या देते हैं इंडाइसेज तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी इंडाइस होती है जैसे कि इंडिया की है आपकी निफ्टी फिफ्टी है बैंक निफ्टी है सेंसेक्स है तो ये सब सारी चीजें जो इंडाइसेज है आप यूएसए की देखो तो एस एन है आपको डाउजोन्स है तो ये सब हर एक कंट्री की अपनी अपनी इंडाइसेज होती है जो उसके स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती है तो वापस आते हैं हम लोग डेरेवेटिव पे तो डेरेवेटिव कमिंग वीडियोज में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट होती है जो दो पार्टीज के बीच में होती है एंड इनके दो पार्ट्स होते हैं पहला होता है आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड होता है आपका ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट और ये दोनों मैं कमिंग वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अभी के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सिर्फ अभी ये फोकस करो कि कितनी वेराइटीज अवेलेबल है फॉर द ट्रेडिंग फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें भी दो पार्ट होते हैं एक होता है आपका ऑप्शन बाइंग जो प्रीमियम्स लेते हैं एंड एक होता है ऑप्शन सेलर जो प्रीमियम्स रिसीव करते हैं तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट अभी के लिए समझो कि ये दो कैटेगरीज हैं ऑप्शंस में भी जो डेरेवेटिव है डेरिवेटिवस में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गए और उसमें भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है अब एसेट क्लास में इक्विटी और डेरिवेटिव्स हो गया नेक्स्ट आता है आपका कॉमोडिटीज ट्रेडिंग तो कॉमोडिटीज मीन्स आपके जैसे मेटल हो गए तो मेटल में गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर नेक्स्ट आ गया आपका कमोडिटीज में एनर्जी सेक्टर जिसमें क्रूड ऑयल गैसोलीन नेचुरल गैसेस नेक्स्ट आ गया आपका एग्रीकल्चर कमोडिटीज जिसमें आपको कॉर्न सोयाबीन वीट राइस सुगर ऐसे आपके कमोडिटीज ट्रेड होते हैं जैसे नेक्स्ट आ गया आपका लाइफ स्टॉक मीट कमोडिटीज तो जितने भी कमोडिटीज हैं इसमें जो ट्रेडिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग सो ट्रेडिंग इन दीज कमोडिटीज इज नोन एज द कमोडिटी ट्रेडिंग एंड इन वर्ल्ड वाइड कमोडिटी एक ऐसा एसेट है जो बहुत ज्यादा ट्रेडेड ट्रेड किया जाता है

किसी कंट्रीज की करेंसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसको हम लोग करेंसी ट्रेडिंग कहते हैं और इसी को हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं फॉरेक्स मार्केट भी आप जानते हो जिस, जिसका नाम आप बहुत सुने हो इसी को हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं तो ट्रेडिंग इन पेयर्स यहाँ पे जो होता है दो करेंसी को पेयर मिला के उसके साथ कंपेयर करके ट्रेडिंग किया जाता है जैसे एग्जाम्पल में ले लो दो करेंसी की पेयर होते हैं एंड दोनों को कंपेयर किया जाता है कि किसकी प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी एज कंपेयर टू अदर्स लाइक यूएसडी आई ले लो तो यूएसडी के मुकाबले एक यूएसडी के मुकाबले जो इंडियन रुपीज है वो कितना ऊपर नीचे जाएगा वो हमें पता लगाना होता है इन द टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड जो मेजर करेंसी ट्रेड होते हैं वर्ल्ड वाइड वो होते हैं आपको यूरो वर्सेस यूएसडी या यूएसडी वर्सेस जापानीज करेंसीज कैनेडियन करेंसीज तो ये हैं जो मेजरली ट्रेड होते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग का या करेंसी ट्रेडिंग का कि आपको हमेशा खुला रहता है फाइव डेज इन अ वीक 24 घंटे आप किसी भी टाइम पे इसमें ट्रेड कर सकते हो तो ये था सारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिंग या ट्रेडिंग स्टाइल आप कह सकते हो तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कि आप कौन कौन सी चीज एक्सप्लोर कर सकते हो इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग एंड आपकी साइकोलॉजी या आप अपने साइकोलॉजी आप जिस चीज को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो वो चीज चूज करो तो ये आपको वीडियो, I hope आपको वीडियो आई होप एक देगा फॉर ऑल द बिगनर्स जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप ये ये इस इस कैटेगरीज में आप अपनी ट्रेडिंग को एक स्पेसिफाई कर सकते हो तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट डाउन में लिख सकते हो और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दे रखा है तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा और नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट यू प्रेस द बेल आइकन एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग